Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video। So हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था उसके रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किस तरीके से हमको एंट्रीज करना है वो हमने अब तक सीख लिया है। तो अगर आपने इसके पहले के सेशंस अब तक नहीं देखे तो ट्राई टू वॉच ऑल द प्रीवियस सेशंस बिकॉज उससे आपके काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। तो ये हमारा सेशन नंबर 5 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन में आपके एडजस्टमेंट आता है एंड दैट एडजस्टमेंट इज़ ट्रेसेबल। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट दिया जाता है आपको कि 120 प्रेफरेंशियल होल्डर्स वाज नॉट ट्रेसेबल, 100 प्रेफरेंशियल होल्डर्स वाज नॉट ट्रेसेबल। तो किस तरीके से वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करना है एंड किस तरीके से उसको सॉल्व करना है तो आज के सेशन में वो हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एडजस्टमेंट में दिया है नॉन ट्रेसेबल का कंसेप्ट कि बहुत सारे लोगों को हम ट्रेस नहीं कर पाए तो कैसे करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 9% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू जो है वो दी है 8 लाख रुपीज़। 9% प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू दी है 8 लाख और अज्यूम करते हैं जिसका फेस वैल्यू जो है दैट इज़ 100। प्रीमियम जो है प्रीमियम रिडम्पशन का प्रीमियम जो है दैट इज़ 10%, तो प्रीमियम रहेगा आपका 10%। और अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा कि 1 प्रेफरेंशियल होल्डर होल्डिंग से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 150 शेयर्स, ठीक है, ये नंबर चेंज होते रहेगा, वर्किंग नोट जैसे बना रहा हूँ वैसे ही प्रिपेयर करना है। 150 शेयर्स वॉज नॉट ट्रेसेबल, मतलब ऐसे लोगों को हम ट्रेस नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज नॉट ट्रेसेबल। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में दिस एडजस्टमेंट्स यूजुअली कम्स इन योर पेपर। तो ऐसे टाइप के एडजस्टमेंट जब भी आएंगे तब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल एंट्री करते हैं और उसके बाद ट्रेसेबल की वर्किंग नोट कैसे हमको प्रिपेयर करनी है वो सीखते हैं। तो इस केस के लिए अगर हम एंट्री की बात करें तो what will be the journal entry for it? Very simple. Journal entry will be 9% preference share capital account debit. ठीक है, 9% preference share capital account debit. Premium on redemption of preference shares debit to preference share holders account. तो this will be the journal entry. कैसे करेंगे हम लोग, काफ़ी सिंपल, 8 लाख को हम डेबिट करेंगे, 8 लाख पे 10% का प्रीमियम दैट विल बी 80,000, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे और इन दोनों का टोटल हमारा हो जाएगा प्रेफरेंशियल होल्डर्स दैट विल बी 8,80,000। नाउ मैंने आपको स्टेप्स तो सारे सिखा दिए हैं कि किस तरीके से हमको स्टेप्स को करना है। अगर ये स्टेप्स आप बराबर से फॉलो करेंगे तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू सॉल्व। आप ध्यान से देखना किस तरीके से मैं वर्किंग नोट को प्रिपेयर करूंगा। 8,80,000 हमको अमाउंट मिल चुका है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अभी हमने जर्नल एंट्री डिस्कस किया एंड दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो जर्नल एंट्री है उसकी अमाउंट कितनी आई, उसकी अमाउंट आई 8,80,000 की अमाउंट जो हमने क्रेडिट साइड ढूंढी। अब हमें एडजस्टमेंट क्या दिया था, एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स है, 150 शेयर्स है, उसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए। तो उसको अभी हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना वर्किंग नोट कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेमेंट। तो फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट आपका कितना है, टोटल पेमेंट है आपका 8,80,000। ये जो आपने अमाउंट ऊपर लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अभी हमने उसका जर्नल एंट्री भी डिस्कस किया। इस टोटल पेमेंट में से आपको जो नॉन ट्रेसेबल वाले शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। अभी ध्यान से देखना कैसे माइनस करना है। 150 हमारे पास शेयर्स थे, काफ़ी सिंपल है, 150 शेयर्स थे, फेस वैल्यू एक शेयर का 100 है और अगर हम इसमें प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम कितना परसेंट था, 10%। तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 रुपीज़। तो आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी 110। तो अगर हम 150 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, प्रीमियम के साथ मिला के यहाँ पे प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। तो 150 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इफ़ यू डू 110 यू विल गेट द आंसर एज 16,500। तो 16,500 जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। ये जो 16,500 है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेसेबल, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेसेबल। तो अभी हमको करना क्या है, काफ़ी सिंपल, हम 8,80,000 में से 16,500 को माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द आंसर 8,63,500। दिस विल बी योर टोटल पेमेंट। इतना आप प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पैसे देंगे। जो आप सेटलमेंट की एंट्री करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या होता है जर्नल एंट्री, प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहाँ पे हम लोग 8,80,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे 8,63,500। डेबिट और क्रेडिट साइड में 8,63,500 का आपको अमाउंट लिखना है। और अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये जो 16,500 का अमाउंट है ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी के हेडिंग में इसको आपको लिखना पड़ेगा और नाम देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो। और अगर बैलेंस शीट नहीं बनाओगे या पेपर में बैलेंस शीट अगर नहीं पूछा होगा तो फिर आपको कोई भी इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं देना है। दिस इज़ द वर्किंग नोट ऑफ ट्रेसेबल। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि इतने इतने शेयर होल्डर्स जो है वो आपके नॉन ट्रेसेबल है, इतने इतने शेयर होल्डर्स को हम ट्रेस नहीं कर पाए, तो आपको इस तरीके से वर्किंग नोट बनाना है। तो अभी इसी बेसिस पे आप कोई भी डिफरेंट क्वेश्चंस के वर्किंग नोट को ट्राई करें। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, बिकॉज आप वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक करने का बेनिफिट यही है कि यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को प्रमोट करेगा और वो काफ़ी सारे लोगों तक ये वीडियो जाएगा। और जिनको भी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लग रही है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस किस तरीके से सॉल्व करें, तो उनको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके के लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।